नाम है कपिल, मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम जो आए हैं वो हम आए हैं आज सेक्टर 20 के प्रीमियम ब्लॉक्स में। सेक्टर 20 के अंदर जो प्रीमियम ब्लॉक्स हैं आज हम वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे कस्टमर्स का फ़ोन आता है कि जो बड़ी इन्वेंट्री है, जैसे आपका 4000 मीटर का ब्लॉक है, 2000 मीटर का ब्लॉक है, 1000 मीटर का ब्लॉक है, उनके हमें आप ब्लॉक्स अंदर से दिखाइए या उनकी एक बार डायरेक्शन हमें दीजिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि रेजिडेंशियल इतना बड़ा कैसे हो सकता है और उसमें क्या बनाएगा आदमी। वो तो या तो शायद इंडस्ट्रियल होगा या कुछ और होगा या कॉमर्शियल होगा, लेकिन ये रेजिडेंशियल ही ब्लॉक है। और अभी जो हम खड़े हैं, हम एक 100 मीटर रोड के सामने, जो 60 मीटर की डिवाइडिंग रोड है, 60 मीटर की डिवाइडिंग रोड पर खड़े हैं। और हमारे दोनों ही साइड में, राइट साइड में हमारा 4000 मीटर का रेजिडेंशियल है। देखिए आप 4000 मीटर का रेजिडेंशियल, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा 4000 मीटर का रेजिडेंशियल है। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये 2000 मीटर का रेजिडेंशियल है। दोनों ब्लॉक्स आपका सेक्टर 20 के ए और बी ब्लॉक हैं। ए ब्लॉक में आपका 4000 मीटर का रेजिडेंशियल बनता है और बी ब्लॉक में आपका 2000 मीटर का रेजिडेंशियल बनता है। और ये आप मेरे बैक साइड में आप देखेंगे, ये आप देखेंगे 100 मीटर की वाइड रोड है जो यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल जा रही है सीधा एयरपोर्ट के लिए। तो ये हमारे सामने जस्ट बिल्कुल 100 मीटर की वाइड रोड है। अगर आप ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं तो आप इस रोड के साथ साथ पैरेलल भी आ सकते हैं। आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ना जाके इस रोड के साथ साथ पैरेलल आप आ सकते हैं। प्लस आपका जो इसके बीच में जो आप ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, वो ग्रीन बेल्ट आपके जो हमारी बुलेट ट्रेन जाएगी वो इस ग्रीन बेल्ट से होके जाएगी सीधी बनारस। और उसके जस्ट अपोजिट में आप जो देख रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे है। तो कनेक्टिविटी का तो माध्यम इतना है कि आप यहाँ से आप इंडिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे ले सकते हैं आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो, और अगर आपका अपना वाहन नहीं है तो यहाँ से आप बुलेट ट्रेन से ले सकते हैं। और ये पैरेलल आप ये सर्विस रोड आप एयरपोर्ट तक ले सकते हैं। इसी ग्रीन बेल्ट में आपको मेट्रो जाएगी जो नॉलेज पार्क से लेके और ग्रेटर एयरपोर्ट टर्मिनल तक जाएगी। तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम भी अच्छे हैं। और ये बड़े ब्लॉक हैं, आप ये देखें, मैं थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। ये बड़े ब्लॉक्स हैं, इसमें फ्रंट पे आपका मेन रोड है, फिर उसके बाद सर्विस रोड है, उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट है। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये ग्रीन बेल्ट है। और आगे आप जैसे ही चलेंगे तो ये भी एक सर्विस रोड है, ये आपकी मेन रोड होगी लिंक रोड, इसके बाद ये सर्विस रोड है, उसके बाद ये पीछे प्लॉटिंग हो रखी है। तो आप ये देखें कि कितना बड़ा साइज है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, आप आइए मेरे साथ। ये हम सर्विस रोड पे चल रहे हैं, सर्विस रोड पे चलते चलते आपका यहाँ से ही प्लॉटिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ये आपका ग्रीन बेल्ट प्लस कॉर्नर प्लॉट है, ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा साइज है। और वहाँ दूर दराज में आप देख रहे हैं कि एक कम्प्लीशन भी बन गया है, एक कम्प्लीशन की भी झलक मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं दूर दराज में, ये कम्प्लीशन मीटर का ब्लॉक है। इसमें आप सारे ही प्लॉट 4000 मीटर के हैं और 131 प्लॉट हैं। यमुना के सेक्टर्स में जो ब्लॉक दिए हैं, ब्लॉकों में एक खास बात है कि जो ब्लॉक है उसमें एक ही साइज है, उसमें दो साइज नहीं है। जैसे सेक्टर 18 आप देखेंगे पूरा 300 मीटर का साइज है और हर ब्लॉक में 300 मीटर का साइज है। सेक्टर 20 में थोड़ा प्रीमियम ब्लॉक्स हैं, जैसे ए ब्लॉक 4000 मीटर बनता है, बी ब्लॉक 2000 मीटर बनता है, सी डी ई ब्लॉक 1000 मीटर बनता है, एफ जी एच ये आपका 100 मीटर के साथ लगे हुए 300 मीटर के ब्लॉक हैं। फिर उसके जस्ट अपोजिट में 45 मीटर की रोड है, वहाँ पे आपका के एल एम एन ओ पी, ये 6 ब्लॉक्स आपके 300 मीटर के सेक्टर 20 के हैं। और उसके जस्ट अपोजिट में क्यू आर एस टी यू, 5 ब्लॉक आपके 500 मीटर के हैं। इसी सेक्टर में 20 में से आई जे ब्लॉक को शिफ्ट करके सेक्टर 18 में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम ब्लॉक्स में भी प्लॉट्स खरीद सकते हैं। ये इन फ्यूचर आपका रेजिडेंशियल बहुत अच्छा बनेगा, इसमें आप अपना फार्म हाउस, मिनी फार्म हाउस बना सकते हैं। जैसे 4000 मीटर में आपका थोड़ा सा बिग फार्म हाउस बन जाता है और 2000 मीटर में उससे थोड़ा छोटा फार्म हाउस बन जाता है, 1000 मीटर में उससे स्मॉल फार्म हाउस बन जाता है। तो ये आपके फैमिली के हिसाब से, आपकी अगर मीडियम फैमिली है तो आप उसको बिग स्मॉल फार्म हाउस के हिसाब से बना के और उसमें सारी चीज़ अपने घर के अंदर में आप अवेलेबल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक झलक लगवाऊंगा, आपका जो हमारा यहाँ का 4000 मीटर का जो साइज है उस पर एक मैं झलक आपको अभी लगवाऊंगा। तो चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको लगवाता हूँ 4000 मीटर पे झलक एक। तो अभी हम आ गए हैं 4000 मीटर पॉकेट ए, आपको मैं एक बार झलक लगवाता हूँ इस लाइन पे पूरे प्लॉट्स पे।
तो पॉकेट ए के प्लॉट नंबर 103 से लेके 115 तक ये आपको दिख रहा है, डायरेक्शन दे रखी है कि इसरो में जो प्लॉट्स बनते हैं वो 103 से लेके 115 तक बनते हैं। और मैं बिल्कुल जस्ट अपोजिट में आपको दिखाऊंगा कि ये सर्विस रोड है बिल्कुल, और ये जस्ट सामने यमुना एक्सप्रेस वे है, जस्ट ग्रीन बेल्ट है। तो इसरो में आप आगे चलेंगे तो आगे चल के मैं आपको इसी रो में एक कम्प्लीशन दिखाऊंगा। ये 24 मीटर की रोड है, ये 24 मीटर की रोड आपका यहाँ से स्टार्टिंग है और इधर आपकी लास्ट है। तो मिनिमम रोड 24 मीटर की है, बड़े जितने भी साइज हैं जैसे 4000 मीटर हो गया, इसमें सबसे एक ही रोड है मिनिमम 24 मीटर की। और अगर हम 2000 मीटर में जाते हैं तो कुछ रोड 18 मीटर, कुछ रोड 24 मीटर, कुछ रोड 45 मीटर। और अगर हम 1000 मीटर में जाते हैं तो मिनिमम 18 मीटर की रोड है 1000 मीटर के अंदर। तो अभी मैं आपको एक कम्प्लीशन पे झलक लगवाता हूँ, आइए मेरे साथ। हम आ गए हैं 4000 मीटर के कम्प्लीशन पे। एक बार लेआउट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ से आए हैं और अभी किस कम्प्लीशन पे हम खड़े हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेस के साथ साथ यहाँ हम सर्विस रोड से हम आए हैं, और इस वाली रोड से आगे 103 से लेके 115 वाली लाइन मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी पहले दिखाई है। तो हम अभी आ गए हैं 109 नंबर कम्प्लीशन पे। 109 नंबर कम्प्लीशन ने इन्होंने अपनी बाउंड्री करके चारों तरफ से कंसेंटीना वायर लगा के इन्होंने कवर्ड कर दिया है। और अभी मैं एक बार थोड़ा डेमो के रूप में आपको साइज़ दिखाना चाहता हूँ कि हाँ क्या साइज़ बनता है 109 नंबर के सामने। तो अभी मेरे राइट साइड में आप देखें, ये 109 नंबर है, ये इसका फ्रंट है 109 नंबर का, और इसकी डेप्थ मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर। ये देखें आप, ये इन्होंने आप पूरी जितना भी है ये चारों तरफ से इन्होंने 4000 मीटर के उसको कवर्ड कर लिया है। इसको कम्प्लीशन नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं आप बाउंड्री वॉल पूरी हमारी रेडी कर दी है। चारों तरफ से कंसेंटीना वायर लगा दिया एज ए सेफ्टी पर्पज से। तो अब इन फ्यूचर जब भी ये कम्प्लीशन बनाना चाहेंगे तो इसमें अपना कम्प्लीशन बना सकते हैं, या इन फ्यूचर अपना मिनी फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। इन्होंने रजिस्ट्री करा के अपना पोजेशन ले लिया, पोजेशन लेके अपना अंडरटेकिंग कर लिया है। अब इसके बाद आगे की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहेंगी। तो ये मैंने एक डेमो के रूप में आपको 4000 मीटर का साइज दिखाया था। 4000 मीटर के साइज के लिए सब बोलते हैं कि भाई रेजिडेंशियल 4000 मीटर में लोग क्या बनाएंगे, तो मैंने आपको ये दिखाया एक डेमो कि ये 4000 मीटर में आपका कम्प्लीशन इस तरीके से बना के इन फ्यूचर जैसे अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो उसके हिसाब से भी इसको रेंट पे भी दे सकते हैं, और अगर रेंट पे नहीं देना चाहते तो अपने यूज में भी ले सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको एक बार बाहर से चारों तरफ से वीडियो दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, ये बाउंड्री वॉल है, पूरी बाउंड्री वॉल वहां तक इन्होंने पूरा कंसेंटीना वायर से कवर्ड कर दिए, कवर्ड करके इन्होंने छोड़ दिया। अब इनको कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। अब ये आप इसको वैसे रेंट पे भी यूज के लिए दे सकते हैं, जैसे अभी लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे तो यहाँ पे बहुत हमें नीड पड़ेगी इस तरीके की चार दीवारी के, जिसके अंदर हम अपना मटेरियल रख सकते हैं, जिसके अंदर अपने हम जेसीबी और वाहन खड़े कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रेंट पे भी इसको दे सकते हैं। तो बड़ा साइज है, बड़ा साइज किसी कितने दो तीन पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा 4000 मीटर का वीडियो, आज मैं लेके आया हूँ 4000 मीटर का वीडियो। कल मैं आपको किसी दूसरे साइज का वीडियो लेके आऊंगा। तो एक डेमो के रूप में मैंने आपको 4000 मीटर का रेजिडेंशियल दिखा दिया। गुरुदेव रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड यमुना एक्सप्रेसवे की बेस्ट रीसेल मार्केटिंग कंपनी है। किसी को भी इन्वेस्ट अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे करना है तो गुरुदेव रियल इस्टेट से आप संपर्क करें। गुरुदेव रियल इस्टेट बिल्कुल धरातल पे वर्क करती है और आपको प्रॉपर पहले ग्राउंड पे सारी चीज़ दिखाती है, क्योंकि बहुत सारे लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, और आउट ऑफ इंडिया से उनके हमारे पास डायरेक्ट कॉल आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि हमें यमुना में इन्वेस्ट करना है, क्या सेफ साइड है। हम तो यमुना एक प्राधिकरण है, प्राधिकरण के आप किसी भी प्लॉट में इन्वेस्ट आप करेंगे तो आप सेफ साइड रहेंगे। आप दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में रहें लेकिन आपके किसी प्लॉट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है, प्राधिकरण की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी भी आपको ऐसा लगता है तो आप प्राधिकरण में एक एप्लीकेशन देके तो उस पे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह खरीदते हैं तो आप वहाँ पे इनसिक्योर भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा कंसर्न है कि आप यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आप डील करते हैं तो आप गुरुदेव रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच करें। गुरुदेव रियल इस्टेट के दो नंबर हैं 9873442971, 9667519002। दोनों ही नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो मेन दफ्तर है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जस्ट बराबर में है, ओमेगा वन में।
AC14P अंसल गोल्फ लिंक 1 Omega 1 सेक्टर, तो आप हमारे दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अभी आपको 4000 मीटर का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जब इन फ्यूचर ये शहर बस जाएगा तो लगभग 130 प्लॉट केवल 4000 मीटर के रेजिडेंशियल के हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं मिलेगा। ज्यादातर बड़ी लोबी के पार्ट्स ये बड़े साइज के प्लॉट हैं, तो अभी भी जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं या जो शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे, इंडिया में नहीं शिफ्ट होना चाहते हैं इन फ्यूचर भी, वही लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं। अदरवाइज कोई जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है वो सेल नहीं कर रहा है। तो नमस्कार साथियों।